नाउ डिफाइन हेरिडिटी ठीक है हेरिडिटी है क्या एक्चुअल में तो हेरिडिटी एक प्रोसेस है देखो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आने वाले ऑफस्प्रिंग में आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं तो द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी वहीं यहां दे रखा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर या फिर नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी

Uh, जो नेक्स्ट जनरेशन आई है उसमें क्या होते हैं अलग होते हैं डिफरेंट होते हैं एंड दो कैरेक्टर्स जो अलग होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं वेरिएशंस बोलते हैं जो डिफरेंसेस पेरेंट जनरेशन एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में रहेंगे दैट इज कॉल्ड वेरिएशन मतलब मम्मी पापा से अगर मैं एट्टी परसेंट भी मिलता हूँ जो ट्वेंटी मेरे खुद के कैरेक्टर है ना वो क्या है वेरिएशंस है तो डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम जनरेशन जो सेम जनरेशन है उस जनरेशन uh, के बीच में भी कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस एंड और स्पीशीज एक ही स्पीशीज में अलग अलग कैरेक्टर्स uh, आपको देखने को मिलते हैं तो एक ही स्पीशीज में आप डिफरेंस देख लीजिए या फिर एक ही जनरेशन में आप डिफरेंस देख लीजिए दैट इज कॉल्ड वेरिएशन सेम टू सेम नहीं होगा कुछ ना कुछ तो उसमें अलग होगा ही सही नाउ जेनेटिक्स भैया यही तो पढ़ना है जेनेटिक्स ही तो है जो है ठीक तो है तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी या हेरिडिटी और हेरिडिटी की वजह से ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के टाइम आने वाले वेरिएशंस की स्टडी तो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं जेनेटिक्स बोलते हैं यहाँ तक तो हमने इंट्रो ले लिया चैप्टर का बट अब इस वीडियो में ना हम थोड़ी बहुत डेफिनेशन से डिस्कस करेंगे ताकि जब हम इस चैप्टर को और आगे पढ़े तो हमें पता रहे कि हम डिटेल में क्या पढ़ रहे हैं हम एक एक जब टर्म यूज करें तो हमें पता रहे कि इस टर्म का मतलब क्या है तो इन दिस वीडियो वी विल पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली डिस्कस अबाउट एंड तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है डेफिनेशन की बात करें इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल मेड ऑफ एंड डीएनएन प्रोटीन विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स डीएनए कंटेन्स मैनी जीन्स ठीक है

तो क्रोमोजोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कहा प्रेजेंट होगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर मल्टी ऑर्गेनिज्म से है, और उस के ये क्या होंगे? होंगे, यहां तक हमें बात समझ आ गई अब क्रोमोजोम बन किसका रहा है मेड ऑफ डीएनए डीएनए क्या होता है हेलिकल स्ट्रक्चर डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फॉर्म होती है आप लोगों ने पढ़ी होगी

इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं जैसे कि मान लो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर प्रोग्राम कोडेड रहता है कि यार आप ये करोगे तो ये प्रोग्राम रन होगा ये करोगे तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन होगा उसी तरीके से हमारी जीन्स भी हमारे डीएनए भी क्या रहता है कोडेड रहता है कि यार इस सेगमेंट में हमारे हाइट की जीन प्रेजेंट है उस सेगमेंट में हमारे कुछ और जीन प्रेजेंट है और एक डीएनए में बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होती है तो हमने क्या देखा कि क्रोमोजोम एक थ्रेड लाइक -like स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बन रहा है और ये डीएनए के जो सेगमेंट है डीएनए के जो टुकड़े हैं डीएनए के जो पार्ट है उन्हें ही हम जीन्स बोलते हैं और उन्ही जीन्स में हमारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन यानी कि हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है अब जीन क्या होता है भाई सेगमेंट्स ऑफ डीएनए मैंने बताया ये डीएनए के ही जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं

क्योंकि यही यही जीन क्या क्या होती होती है, होती है, है, ट्रांसफर कैरेक्टर्स को हमारे क्या करती है? होल्ड करती है तो जब भी सेल डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली हमारे क्रोमोजोम हमारे न्यूक्लियस डिवाइड होगा सब कुछ डिवाइड होगा तो ड्यूरिंग डि, सेल डिवीजन डीएनए भी क्या होता है कॉपी होता है तो वही कॉपी डीएनए होकर ही तो दूसरी जनरेशन में जाता है ना तो दैट्स वाई

जीन जो कि हमारी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है नाउ व्हाट इज एलील एक टर्म आता है एलील इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसका मतलब समझ लेना हाँ, मैंने अभी बताया सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को बोलते हैं जीन अब कोई भी पर्टिकुलर जीन है किसी भी कैरेक्टर की जो पर्टिकुलर जीन होती है ना उसकी एक अल्टरनेट फॉर्म भी प्रेजेंट होती है मतलब अगर ये हाइट की जीन है तो हाइट की जीन की एक और अल्टरनेट फॉर्म आपके पास प्रेजेंट होगी मतलब एक ही कैरेक्टर की दो जीन्स प्रेजेंट होती है तो जीन हमेशा किस में में प्रेजेंट प्रेजेंट होती होती है होती है है पेयर्स ठीक तो अगर आपके पास ये हाइट की जीन है तो ये हाइट की जीन इसी का कुछ अल्टरनेट फॉर्म एक और प्रेजेंट होगा और इन हाइट की जीन्स का क्या प्रेजेंट होगा पेयर प्रेजेंट होगा एंड दैट इज एलील पेयर्स ऑफ जीन्स आर एलील्स ये जीन के पेयर से क्या होते हैं एलील्स होते हैं और ये दोनों एक दूसरे की क्या होती है अल्टरनेट फॉर्म्स होती है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन विच है और उसमें हर एक जीन की स्पेसिफिक लोकेशन होती है क्या होती है हर एक जीन की स्पेसिफिक लोकेशन होती है जैसे कि हाइट की बात कर रहे हैं तो फिर से हाइट की बात कर लेते हैं अगर ये क्रोमोजोम है अगर ये डीएनए है तो डीएनए में ये पर्टिकुलर यहाँ पर हाइट की जीन प्रेजेंट है किसकी जीन प्रेजेंट है हाइट की जीन इसी की एक अल्टरनेट फॉर्म भी प्रेजेंट होगी ठीक है तो वही हाइट की जीन क्या है आ, ये जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है ना ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोकस बोलते हैं तो क्रोमोसोम पे जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई सी भी जीन प्रेजेंट होगी दैट पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड लोकस यहां तक बात क्लियर है अब मैंने बताया एलील क्या है पेयर्स ऑफ जीन है और यही दोनों क्या है एक दूसरे की अल्टरनेट फॉर्म है हाइट 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 की है, की one, की जीन 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 है या नंबर और कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो हमारे स्पेसिफिक फीचर hmm. है ऑर्गेनिज्म के जो हमारे कैरेक्टर है वही क्या है ट्रेट है एक एग्जांपल से समझो जैसे कि हाइट या फिर आई आई होना आंख होना या फिर हाइट होना ठीक है ये सब क्या है हमारे कैरेक्टर है तो हाइट इज अ कैरेक्टर एक एग्जाम्पल लेते हैं दैट हाइट इज अ कैरेक्टर अब मेरी हाइट बड़ी है या मेरी हाइट छोटी है इट इज अ ट्रेट ठीक है हाइट इज अ कैरेक्टर मेरी हाइट बड़ी है या मेरी हाइट छोटी है वो क्या होगा उसका ट्रेट होगा वो उसका भी स्पेसिफिक फीचर होगा भाई हाइट एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है और हाइट बड़ी है या छोटी है वो वो उसका क्या है स्पेसिफिक फीचर है आई है

तो अब इस ट्रेट को समझ लेते हैं ट्रेट यानी वही कैरेक्टर ठीक है तो टी और टी क्या है भाई मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल टी को टॉल से किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं टॉल से तो मान लो हमारे पास हाइट की जीन है मान लो हमारे पास किसकी जीन है एक हाइट की जीन है तो पेयर्स प्रेजेंट है अगर दोनों जीन्स दोनों हाइट की जीन्स टॉल की है मान लो टी से रिप्रेजेंट करा दोनों, दोनों हाइट की।, तो मतलब की जीन्स टॉल की ही प्रेजेंट है हमारे पास दोनों जो टॉल हाइट की दोनों ही जीन्स हमारे पास कौन सी है टॉल हाइट की है ऐसे ही अगर मैं क्या स्मॉल टी को ड्वार्फ से रिप्रेजेंट करू स्मॉल टी को मैंने ड्वार्फ से रिप्रेजेंट करा तो मैंने देखा कि यार जेनेटिक कोड जब मैंने देखा हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखी तो मैंने देखा कि वो जो दोनों मतलब एलील्स जो प्रेजेंट थी मतलब वो पेयर्स प्रेजेंट थे उसमें ही दोनों एलील कैसे थे स्मॉल टी थे दोनों ही एलील कैसे थे स्मॉल टी थे मतलब हमने देखा कि जो वो पेयर प्रेजेंट है उसमें दोनों ही जीन कैसी प्रेजेंट है डोआर फाइव की प्रेजेंट है तो जब दोनों एलील सेम होंगे क्या कह रहा हूं मैं जब दोनों एलील सेम होंगे यानी आपके हाइट की जीन है वो तो कैरेक्टर हो गया अब अगर हाइट की जीन दोनों ही आपके पास जो पेयर में जो दो जीन्स प्रेजेंट थी वो दोनों ही जीन शॉर्ट हाइट की है तो इट इज आल्सो होमोजाइगस और अगर वो दोनों ही जीन टॉल हाइट की है तो इट इज हेट्रोजाइगस बट सॉरी दोनों वो भी होमोजाइगस है बट अब नाउ व्हाट इज हेट्रोजाइगस भाई अगर जीन्स सिमिलर नहीं है जीन्स दोनों क्या है डिसिमिलर मतलब हाइट की जीन है एक आपके पास जो पेयर प्रेजेंट था वो हाइट का पेयर जो है उसमें एक तो आपके पास किसका है शॉर्ट हाइट का और एक कैसा है आपके पास टॉल हाइट का तो इट इज हेट्रोजाइगस जैसा कि हमने यहाँ देखा टी को टॉल से रिप्रेजेंट करा तो आपके पास एक पेयर में एक जीन तो कैसा है टी है जो कि है टॉल हाइट का और एक है टी जो कि है शॉर्ट हाइट का यानी डॉर्फ का

दो जीन प्रेजेंट होगी यहाँ तक क्लियर अब अगर आपके पास जो दोनों जीन्स है उसमें जीन नंबर वन भी टॉल की है एंड जीन नंबर टू भी टॉल की है मतलब पेयर में जो दोनों जीन है वो दोनों टॉल की प्रेजेंट है तो इट इज होमोजाइगस अगर दोनों ड्वार्फ की प्रेजेंट होगी होती तो इट इज आल्सो होमोजाइगस ठीक है मैं सेम है बट अगर जीन नंबर वन किसकी प्रेजेंट है टॉल की एंड जीन नंबर टू किसकी प्रेजेंट है शॉर्ट की तो दोनों सेम नहीं है ना दोनों एलिल डिफरेंट है तो दैट इज हेटेरोजाइगस ट्रेट यहां तक की बात क्लियर ठीक है नाउ व्हाट इज इनहेरिटेड ट्रेट ऐसे कैरेक्टर्स जो कि एक पेरेंट से ऑफ में ट्रांसफर हो जाते हैं

ऑफस्प्रिंग में आ गया तो इट इज इनहेरिटेड ट्रेट तो मतलब जो भी कैरेक्टर पेरेंट्स से मिला है ऑफस्प्रिंग को आने वाली जनरेशन को पेरेंट्स से मिलेगा तो दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट नाउ व्हाट इज एक्वायर्ड ट्रेट खुद के कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से नहीं मिले हमने खुद ने डेवलप करे हैं इट इज एक्वायर्ड ट्रेट ऐसे कैरेक्टर्स जो कि वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर तो नहीं हुए थे बट जो उसने कर Now, मुझे एक बात आग का कलर तो मम्मी पापा से आ गया था ठीक है मम्मी पापा का ब्राउन था मेरा भी ब्राउन हो गया ये तो हो गया क्लियर ये तो इनहेरिटेड हो गई एक्वायर्ड का क्या सीन है एक्वायर्ड मेरी बात सुनो भैया धूप में गए तुम धूप में जाके काले हो गए धूप में जाके तुम्हें क्या हो गई टैनिंग हो गई क्या पैदा हुए थे तो है, हमारा खुद का डेवलप डिवल, किया हुआ कैरेक्टर है मुझे एक बात बताओ तुम्हारे पापा तो फुटबॉल खेलते ही नहीं थे तुम्हारी मम्मी भी फुटबॉल खेलती नहीं थी अब तुम फुटबॉल खेल रहे हो तुमने फुटबॉल खेलने की स्किल डेवलप कर लिया या तुमने म्यूजिक प्ले करने की गिटार प्ले करने की स्किल डेवलप कर ली तो ये तो तुम्हारा खुद का कैरेक्टर हुआ ना ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो हमारे खुद के लाइफ स्पैन में हम खुद डेवलप करते हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकते अगर तुमने बॉडी बिल्डिंग करी है तो तुम्हारा बच्चा मसल्स के साथ एब्स के साथ पैदा नहीं होगा वो नॉर्मली पैदा होगा ठीक है तो एक्वायर्ड ट्रेट वो ट्रेट हो गई जो कि हम खुद से डेवलप करते हैं एंड इनहेरिटेड ट्रेट वो ट्रेट हो गई जो कि

वो तो खुद ने लर्न करी है तो आने वाली जनरेशन वो ट्रिक के साथ पैदा नहीं होगी और इसका सीधा-सीधा आंसर नो था क्या आंसर था इसका नो उसके ऑफस्प्रिंग उस ट्रिक के साथ पैदा नहीं होगा और सपोर्ट योर आंसर में यही लिखना था हमें कि जो ट्रिक लर्न करी जो लर्निंग है इट इज एन एक्वायर्ड कैरेक्टर वो हम खुद डेवलप करते हैं ठीक है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता जो नॉलेज है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती तो इट इज एन अक्वाय कैरेक्टर दैट्स वो एलिफेंट का जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो उसे ट्रिक के साथ बाय बर्थ पैदा नहीं होगा तो कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि आपको क्या आंसर लिखना है नाउ तीन चार डेफिनेशन और बची है इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा पूरा मेंडेलियन क्रॉस uh, मेंडल के बारे में डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और उन क्वेश्चंस के थ्रू आपके कुछ टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे ठीक है तो ना सबसे पहले डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है ऐसी ट्रेट भैया डोमिनेंट ट्रेट क्या है ऐसी ट्रेट ऐसा फीचर जो आपको आ, आने वाली जनरेशन में फिजिकली आप, आपको शो हो जाएगा वो क्या है डोमिनेंट ट्रेट है मतलब आपके मान लो कि एक टॉल का जीन था आपके पास ठीक है एक जीन किसका था टॉल का पेयर में प्रेजेंट थे एलील थे एक जीन किसका था टॉल का था और एक जीन किसका था शॉर्ट का था आने वाली जनरेशन आई वो कैसी पैदा हुई टॉल हुई तो मतलब उसमें डोमिनेंट ट्रेट कौन सी थी वो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था टॉल वाला तो इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट ट्रेट विच गेट्स एक्सप्रेस्ड इन एफ वन जनरेशन जो आने वाली आपकी जनरेशन आएगी उसमें जो भी आपका ट्रेट एक्सप्रेस होगा फिजिकली जो भी कैरेक्टर आपको दिखेगा दैट इज डोमिनेंट ट्रेट जो नहीं दिखेगा मान लो उसके जीन्स में एक टॉल का था ठीक है भैया एक जीन तो कैसा था उसका टॉल का और एक जीन कैसा था उसका शॉर्ट का और वो पैदा कैसा हुआ टॉल हुआ तो डोमिनेंट ट्रेट कौन सी हुई कैपिटल टी वाली क्यों क्योंकि आने वाली जनरेशन में कैपिटल टी ने खुद को एक्सप्रेस करा और जो ऑर्गेनिज्म था वो कैसा हुआ टॉल पैदा हुआ

प्रेजेंट तो शॉर्ट वाली भी थी ना प्रेजेंट तो ड्वार्फ वाली भी थी पर ये आपने उनको एक्सप्रेस कर पाई क्या नहीं कर पाई ये टॉल वाली से सप्रेस हो गई तो ऐसी जीन्स या ऐसी ट्रेड्स जो अपने आप को अपकमिंग जनरेशन में यानी कि F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाती वो कैसी होती हैं रेसेसिव ट्रेड्स होती हैं तो द ट्रेड्स विच गेट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन आर डोमिनेंट ट्रेड्स एंड द ट्रेड्स विच कैन नॉट गेट एक्सप्रेस्ड और गेट सप्रेस्ड बाय डोमिनेंट ट्रेड इज कॉल्ड

जीनो टाइप की जब हम बात करें तो जेनेटिक अपीरेंस देखते हैं कि भैया वो टीटी होमोजाइगस है या फिर टी -टी है कैसा है वो ठीक है तो जब हम जेनेटिक अपीरेंस देखें जेनेटिक अपीरेंस में क्या कि यार क्या उसमें होमोजाइगस स्ट्रेट्स प्रेजेंट है या फिर उसमें हेट्रोजाइगस स्ट्रेट प्रेजेंट है ठीक है तो इट इज जेनेटिक कैरेक्टर एक्सप्रेस तो वो हो रहा है माना पता चल रहा है मुझे कि यार देखो ये भी टॉल है और ये शॉर्ट है ये हमारे पास हेट्रोजाइग स्ट्रेट है ठीक है तो इससे अब हमें पता लग रहा है कि डोमिनेंट तो कौन सा है 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 टॉल 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 तो 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 यानी हाइट तो कैसी उसकी होगी उसकी पर क्या ऐसा है कि उसमें उसमें दोनों की जीन्स थी नहीं तो शॉर्ट की जीन भी थी तो जब हम जेनेटिक अपीयरेंस देखते हैं ठीक है ना तो इट इज जीनोटाइप और जब हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं तो इट इज फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस में से और डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे तो आज के लिए तो यहीं तक और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से खत्म कर लेंगे थैंक यू